एवरीवन, बैक टू माय व्लॉग चैनल होलसेल ऑन कैमरा। ये है मेरा व्लॉग का चैनल और आज हम प्लान करें कुछ बाहर जाने के लिए। बाहर मतलब जूस पीने के लिए, कुछ ज़्यादा बाहर नहीं, जस्ट यहीं पे। तो मैं खड़ा हूँ मेरे बालकनी में, ये मेरा घर है, घर की ये बालकनी, ये मेरा घर है, अरे ये मेरी बालकनी है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा गार्डन है जो कुछ थोड़े बहुत पौधे सूख गए हैं, उसे रीप्लांटिंग करना पड़ेगा। तो मैं हो चुका हूँ रेडी, तो आप देख सकते हैं, जस्ट मेरे शूज़ डालना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने आंट के लिए, वो बोले वो जस्ट लाइक हाफ एन आवर छोड़ के जाएंगे बोले। मैंने बोला ओके। तो बारिश आने का भी कुछ सिम्टम्स है, ब्लैक हो गया पूरा वेदर, क्लाउड्स पूरा ब्लैक हो गया। तो बेसिकली देखते हैं होता है या नहीं जाने के लिए, कहीं दूर तो नहीं है, जस्ट यही पे जूस पीने के लिए। तो बेसिकली मैं ब्लॉग करता हूँ टाइम पास के लिए। अभी बहुत सारे काम है, काम करना पड़ता है, काम करके उधर पे देखना पड़ता है, मेरा काम भी है उधर पे भी। वो हो रही है कि यूट्यूब चैनल, मेरे एक्चुअली दो चैनल्स हैं अभी, उसके ऊपर काम करना मैं बंद कर चुका हूँ, बनने होल्ड करके हूँ मैं, क्योंकि मैं दूसरा बिजनेस यूट्यूब चैनल है मैं उसको बिल्ड करने के लिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। हाँ, आफ्टर वो थोड़ा बहुत बिल्ड होने के बाद, वीडियोस आने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं हो चुका हूँ रेडी, अभी वेट कर रहा हूँ मैं जाने के लिए। तो तब तक ये मेरी बालकनी है और मेरा घर है और ये मेरा छोटा सा गार्डन है। गार्डन तो आप देख चुके हैं। तो मेरी वाइफ है, नीचे खड़ी है मेरी वाइफ। मैं दिखाऊंगा आपको कौन है वो बोल के, तो वाइफ नीचे है तो मिलाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी होलसेल ऑन कैमरा, मेरे व्लॉग चैनल पे। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग मस्ती करते हैं, क्या क्या बंदरिया कामा करते हैं, बंदरिया काम क्या करते हैं। तो मेरे को उस चैनल पे फॉलो करो, मीन सब्सक्राइब करो, मेरे नए जो वीडियोस आएंगे फ्यूचर्स में उनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं इस चैनल पर कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला, जस्ट लाइक मेरा डेली रूटीन में क्या करता हूँ, क्या करता नहीं हूँ वही डालूँगा। हाँ, व्लॉग तो बनाते हैं सभी लोग वही करने के लिए। ये इसमें मैं ऑलराउंड करता हूँ, एक ही व्लॉग नहीं, मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह लाऊँगा, पेट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत लाऊँगा। और हाँ, मेरे पेट्स भी दिखाऊंगा अंदर आपको। हाँ, पेट्स के ऊपर भी लाऊँगा और बेसिकली थोड़ा बहुत समझ गए ना ब्लॉग में, देखते रहना। ओके, तो गाइस इधर है हमारे पेट्स, जो मेरा पेट है। इससे पहले मैं कैट लवर हूँ अभी भी, कैट पालता था, एक से दो तीन कैट्स पाला मैंने फॉर कपल ऑफ ईयर्स। वो सब या बोलते हैं बेवफा है ना, तो भाग जाते हैं, तो इसीलिए मॉम ने मना कर दिया कैट नहीं रखने का। अब तो इसीलिए मैं अपना पेट एक्वेरियम, इससे पहले भी एक्वेरियम था इधर पे, तो बेसिकली वो यही पे था, यही मेन स्पॉट पे था, लेकिन उसका स्टैंड के ऊपर था। लेकिन अब ये बड़ा वाला टैंक है ना, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला टैंक है ये, तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको। ये बड़ा वाला टैंक है तो बड़ा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए छोटा वाला टेबल रख के मैंने इधर पर इसको मेनटेन कर दिया इधर पर। तो मैं इधर पे ही सोता हूँ, तो मेरे ये बिल्कुल सिराने हैं, जब मैं उठूँगा तो मेरे प्यारे चुनु मुनु बच्चों को दिखता है। तो आप देख सकते हो, तो इधर पे मेरे पेट्स लोग इधर पे। तो ये ऑस्कर्स है, ये वाली ब्लैक ऑस्कर है। चलिए, इस पर थोड़ा बहुत पानी आ चुका है, पानी को वाइप कर देते हैं अभी, ग्लास पे ये वाइप कर देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जस्ट आपको दिखना चाहिए। तो इधर पर मेरे एक दो तीन ये वाइट वाली भी ऑस्कर है, ये और दो ब्लैक वाली ऑस्कर्स हैं, और ये रहे शार्क, ये मैनमेड शार्क्स हैं ये। तो ये है हमारी किसिंग गुरामी, जो बिल्कुल अकेली है, छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा था, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये देखो इसीलिए इसका नाम किसिंग गुरामी रखा है, तो क्योंकि इसका फेस ना किसिंग के टाइप करती रहती, देखो अभी कर रही है देखो। तो यहाँ पर मेरी किसिंग गुरामी है, और वो रही हमारी अफ्रीकन रेड चिकलेट, वो जेल में है, ज्वेल चिकलेट है वो थोड़ी अकेली है ना, तो लास्ट थोड़े दिन पहले ही उसका एक पैर था, पैर इससे पहले था, वो भी ब्रीडिंग देके वो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने में वो मर गया। तो उस आफ्टर टू वीक्स, दो वारम के बाद दो
मैंने 2 हफ्ते के बाद फिर मैंने उसको एक फीमेल ला के डाला मैं, साले ने मार मार के उसको मार ही दिया लोच लोच के। तो अभी वो अकेला है तो वो पीछे जाके आराम से बैठता है, आराम से करता है, उसका उसका कुछ टेंशन नहीं, खाता पीता है और आराम से वो उधर पे ही रहता है। तो आप देख सकते हैं उधर पे वो मेरी सक्कर फिश है, सक्कर फिश के ऊपर फिल्टर के पास आप देख सकते हैं कि रेड चिकलेट है, उधर पे अफ्रीकन रेड चिकलेट ज्वेल है वो, उधर पे सोलो रहता है, खाता है, ऊपर आके वापस उधर पे ही जाके छप जाता है। तो उसके नीचे हमारी ब्लैक, जो ब्लैक सक्कर फिश है ना, वो उधर पे एक है टैंक पे, टैंक फिश। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये वाले शार्क है ना, ये चार वाले शार्क आप देख सकते हैं, शार्क है ना उधर पे, हाँ ये जो ये वाले शार्क है ना, तो ये शार्क को मैंने प्लान कर रहा हूँ कि इनको दे दूँ किसी को, या फिर इनको वापस शॉपकीपर को दे दूँ, दे के उनको एक और एक सिंगल ऑस्कर, जो कि इसका एक सिंगल एक वाइट कलर का सेम है ऑस्कर, वो ला के डाल दूँ, क्योंकि वो अकेला हो गया है बेचारा। तो मैंने प्लान किया है, देखते हैं अभी उसके ऊपर भी एक ब्लॉग आएगा, जब मैं ये फिश को एक्सचेंज करने जाऊँगा तब मैं आपको हमारे दोस्त लोग का जो शॉप है उधर पे भी हम टूर करेंगे, टूर करके उनके पास भी जो वैरायटीज़ के जो अदर फिशेस हैं देखेंगे, देख के उनको एंजॉय करके, हमारे जो ये शार्क है ना, ये इतने इतने थे, इतने सॉरी इतने बड़े थे, इतने वाले छोटे छोटे बच्चे थे वो, अभी लोग देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा, ये फास्ट ग्रोथ होता है ये। तो इनको मैं अच्छा फीडिंग देता हूँ और इनको एक वीकली ट्वाइस सॉरी मैं इनको ऑस्कर्स को तो मैं हार्ट, चिकन का हार्ट या फिर मटन का हार्ट थोड़ा थोड़ा उनको फीड देता हूँ मैं डेली ऑस्कर्स को, देखो ऑस्कर्स को ये भूखे हैं, ये ऑस्कर्स को देता हूँ, तो वो उनका फीड लेके भी थोड़ा बहुत रिजल्ट्स अच्छा मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं इनको शार्क को भी मैं कौन सा ट्रू कलर डालता हूँ, हाँ ट्रू कलर, ये वाला ट्रू कलर और ये वाला जो ऑप्टिमम है, ये चिकलेट्स का ऑप्टिमम है, तो मैं डालता हूँ। फीडिंग अच्छा है, वो फास्ट ग्रोथ मिलती है उसमें, अच्छा है वो। तो देखेंगे अपन लोग जब ये एक्सचेंज करने जाएंगे ना, तो तब हम ये सारों लोग को एक्सचेंज करके इसको, जो ये वाइट है ना, ये वाइट ऑस्कर है ना, ये वाइट ऑस्कर का उसका पेयर लाएंगे हम। तो ये हो गया मेरे पेट, अभी ये मैं घर पे बैठा हूँ तो वेट कर रहा हूँ हमारे आंटी का, आंटी मतलब मेरी खाला है, तो उन्होंने बोला मेरे को चल जूस पी के आते हैं, बाहर बेजार आ रहा है बोले, तो मैंने बोला ओके चलो जाते हैं। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, जब रेडी होंगे तो जाएंगे बाहर, जाके मजा कर करेंगे, बिल्कुल मजा कर करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो अभी मैं सिर्फ एक दो मिनट के बाद मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाके मैं अपनी वाइफ को मिलाऊंगा। तो मेरी वाइफ का नाम है लूपू, मैंने रखा है लूपू, ओके। तो मैं दिखाऊंगा मेरी वाइफ को, ओके। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक ब्लॉग है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई अपना आपका भाई और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएगा, देखते रहना। और ये मेरा इधर पे काम करता हूँ मैं, इधर पे ये छोटा मेरा सेटअप है, सेटअप दिखाता हूँ बेटा, मेरा सेटअप है, ये मेरा लैपटॉप और कुछ बुक्स और सब कुछ, और ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड इधर पे लगा है। तो मेरे घर में एक छोटा मेरा भांजा है, मेरे बहन का बेटा है, वो आएगा, वो भी बाहर गया फिरने, तो वो आएगा, उसको भी मैं दिखाऊँगा आपको। वो बहुत बहुत क्यूट है, क्यूट बंदा है वो छोटा, बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करता है वो, तो उसी ने ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ उसी ने किया है। तो बच्चा लोग रहते हैं तो घर ऐसे ही होता है, कितना भी पेंटिंग कर लो, कितना भी रेडी कर लो, होते रहता है, बस लाइक मेंटेन कर लो, आप भी मेंटेन कर लो अगर मेरे बैकग्राउंड में ना कुछ बैकग्राउंड अच्छा ठीक नहीं है तो मेंटेन कर लो यार, चलेगा। तो अभी मैं 2 मिनट के बाद जाऊँगा नीचे, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे बोले तो मेरी वाइफ के पास मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी वाइफ कौन है, तो आप उसको देखो, अभी गेट है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी वाइफ कौन है। बेसिकली मेरे घर के नीचे ना एक बाइक गैरेज है, जो टू व्हीलर्स रिपेयर होती है गैरेज है, तो उसी का नॉइस है, तो मेंटेन कर लो गाइस। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी वाइफ कौन है, और उसका नाम भी बोला हूं मैं लूपू करके, ये मैंने रखा है प्यार से नाम लूपू। तो आप देख सकते हो ना, मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरी वाइफ कौन है, ओके। सो रेडी 1 2 3 गॉट लाइक साइको,
बैठे दो, ये है मेरी वाइफ एंटॉर्क, ये मेरा छोटा चुनू मुनू प्यारू 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 बेटा है मेरा, एक्चुअली ये मेरी वाइफ है। तो ये मेरी वाइफ एंटॉर्क, देख लो आप एंटॉर्क है ये, हाँ ये आरएक्स है, ये भी मेरी है, मेरी मतलब जब मैं पैदा होके क्या एक टू थ्री इयर्स का था तभी मेरे मामा ये लिए, ये वाली ये गाड़ी लिए। तो ये भी अपन की है, जस्ट लाइक इधर पे ये नया वाला ये है बोर्ड है नंबर प्लेट, इस पर पुराने वाले पे मेरा नाम था जब मैं छोटा था तब लगा है वो। अभी रिसेंटली कुछ सेवन मंथ्स हुए वो चेंज करके वो नया डाल दिया। जो ये वाली मेरी है अभी देखो, मेरा नंबर प्लेट भी नहीं आया, हाँ इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई। अपन लोग जाएंगे फर्स्ट सर्विस तभी मैं दिखाऊंगा मैं कि फर्स्ट सर्विस पे मेरी लुको को छोड़ने के लिए। सो हाउ इज़ माय वाइफ गाइस, तो इसका एक छोटा सा लफड़ा हो चुका है। जस्ट लाइक वन वीक बिफोर मेरी वाइफ को ना कोई घमासान रेप कर दिया है। रेप सीन दिखाता हूँ मैं, देखो इधर पे देख रहे हो क्या, दो रेप हो गया है मेरी गाड़ी का, ये साइड और ये साइड देखो, ये साइड भी लोगों दे, ये साइड से लेके यहाँ तक दिखाता हूँ मैं, इतना बड़ा स्क्रैच डाल दिया है, कोई जल के डाला है या फिर बाई चांस में लग गया पता नहीं। हाँ अभी मैं ढूंढ रहा हूँ मैं, ये जल के ही डाला कोई। मैं कुछ नहीं कर सकता करके ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे को पता नहीं है जस्ट कौन क्या है वो। जिस दिन मिलेगा ना रेड हैंड तभी देखना है जलवा उसका। तो ये इनसाइड इनर पार्ट है और ये मेरी हैट है, ये मेरे पापा ने लगाई थी जॉन सीना वाली, ये जॉन सीना की हैट है ये, वो मेरे पापा के डैडी ने न्यूयॉर्क को गए थे WWE रेसलिंग फाइट देखने के लिए, तभी मेरे को ये गिफ्ट वहाँ से मिला फ्रॉम जॉन सीना ने उनको मेरे पापा के दोस्त को दिया, तो वो पापा के दोस्त ने ला के आके मेरे पापा को दिए, वो उन्होंने रख के मुझको दिया इधर से लेके आके। तो ये यहाँ पे OBD देखे, OBD मतलब BS6 को देता है इधर पे OBD, आप स्कैन करके आ मामा कमी आरो, ये स्कैन करके अब गाड़ी का पता कर सकते हैं कि किस पार्ट में क्या फॉल्ट है उधर पे। तो ये OBD है इधर पे, OBD स्कैनर, मैं इसको ओपन करना ट्राई करता हूँ अभी, ओपन करना कैसा है। हाँ इधर पे इसको पुश करके हाँ। तो ये OBD स्कैनर का ये प्लगइन है, प्लगइन से स्कैन करना है, स्कैन करके आपको आपके मॉनिटर पे टूल पे आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर ऑल दिस, एंड ये मेरी गाड़ी रेडी है। मम्मा ने मेरे को काम दे दिया मोटर डालने बोले, तो अभी हम मोटर डाल रहे हैं, तो इसको वायर को खोल के हाँ मेरे को कनेक्ट करके देते हैं, तो मोटर मैंने कर दिया ऑन। सो थोड़ा बाइक को मेरे खोज के डालू, देखो आ रहा क्या, पहुँच के कुछ कहते हैं वॉल तो बराबर है, वॉल बराबर है। तो अगेन हम लोग ऑफ करते हैं, ऑफ करके इस वॉल को ठीक करके देखते हैं वाटर पानी तो आ रहा है इधर से, पैर पकड़ लिया प्लेट, पैर को जाओ, पैर जाने के बाद हम लोग फिर से ऑफ करके वॉल को बंद करते हैं, मोटर ऑन करते हैं। तो उसके बाद मेरी गाड़ी को हो गया, ये चाहिएगा ये पहले ऊपर, अभी आएगा, अभी वो चढ़ जाएगा, वो टेंशन नहीं। तो ये मेरी बाइक को थोड़ा पोंछ के, क्लॉथ तो है, क्लॉथ मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि क्लॉथ में ना कॉटन वाला यूज़ करना है, लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे पास सिल्क वाला क्लॉथ है वो यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो मेरी गाड़ी को थोड़ा पोंछ के ना संवार देते हैं इसको, अभी बाहर जाने गए ना इसीलिए। तो ये है मेरी लूपो, इज माई वाइफ, और ये है मेरी RX, ये मेरी गर्लफ्रेंड है एक्स वाली। अभी इसके साथ मेरा नाता कुछ नहीं है क्योंकि मामा ने बोल दिया है तेरी गाड़ी आ गई है, अब तू नहीं छीने का मेरी गाड़ी बोला है, तो इसीलिए मैं नहीं छी रहा हूँ। हाँ और बोर का भी काम आ गया है, उसमें बोर रेडी कराना है, बोर रेडी कराने के बाद
ट्रेल के लिए जाएंगे, ट्रेल के लिए मैं ही ओपन जाऊंगा। आफ्टर गेटिंग बोर रेडी तो ये वर्जिन हो जाएगी, तो वर्जिन को मैं ही ओपन, वर्जिन इसकी वर्जिनिटी मैं ही ब्रेक करूंगा। तो इसकी भी मैंने किया, तो शी इज़ नाउ माइन। तो और एक बात, मैं अपनी हाथ उठा लेता हूँ, हाथ उठा के अपनी गाड़ी को वापस उड़ा के मैं, ये देखो उधर पे, ये ना कोई जानबूझ के किया, ये वाला और ये वाला कोई जानबूझ के किया है। और ये हाँ, ये मैं गाड़ी काट रहा था बाहर, तब थोड़ा घिस गया उधर पे, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दीवार को लग के। सो हाउ इज़ माई लुक गाइस, अच्छी है ना ये वाली, क्यों मतलब इसमें थोड़ा स्क्रैचेस नहीं दिखेगा इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये भी कोई क्या है, स्क्रैच डाला है ये यार, ऐसा क्यों करते पता नहीं, किस बात की जलन होती है। मैं तो किसी के लफड़े में नहीं जाता, मैं तो किसी के साथ मुंह नहीं लगाता किसी को, तो क्यों करते पता नहीं है। देखो थोड़ा स्क्रैचेस यार, पैसे इतना पैसे डाल के लेते हैं, पेट में जलता है भाई, पेट से जलन होती है भाई, अगर ऐसा कुछ हो गया तो लेट इट भी वो होते रहता है। हम लोग जाएंगे ऊपर और ऊपर जाने के बाद शूज़ डाल के थोड़ा कुछ खा के हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, से पीस। कौन सी बाइक किसकी है बाइक? तो कल क्या हुआ ना, कल मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैं कल की ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं कल मेरे आंट के साथ मैं गया था बाहर घूमने के लिए, जूस पीने के लिए, तो जूस पीने के बाद हम लोग उधर पे, लॉकडाउन है, सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, जल्दी नाइट कर्फ्यू है ना, तो जल्दी बंद हो जाते हैं 8:30 पे उन्होंने 9:00, तो उसके बाद हम लोग जूस पी के आ गए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करे, थोड़ा बहुत इन्जॉय करे, जूस पीते बस, और थोड़ा घूमे भी उधर पर, घूम के हम लोग आ गए। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से मैं वो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं यहाँ पर मेरे गार्डन के साइड, गार्डन दिख रहे हो, तो उसको रिप्लांटिंग कर रहे हैं हम लोग, एक दिन छोटा करके काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा रिप्लांटिंग 1 to 2 days में हो जाएगा। तो अभी मैं चुका फ्रेश और जाऊँगा मैं जाके थोड़ा पेट पूजा करूँगा। पेट पूजा करने के बाद अपन लोग हमारे फिश ब्लॉक को फीडिंग देंगे, फीडिंग देने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो कल मेरे जीजू भी हयाबुसा लिए के वो आए कल, और कल आके वो भी अपनी गाड़ी को दिखा के थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत करके एंजॉय करके चला गया, तो वो भी मैं ब्लॉग में डालूँगा, तो आप देख सकते हो मेरे छोटा सा क्यूट सा भांजा भी है वो वीडियो में, आप देख के मज़ा लो। देखते तो अगर मेरा वीडियो देखते हो, अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ज़रूर गाइस, कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, मेरे को आपके लिए क्या करना चाहिए, तो सब कुछ कमेंट में बताओ। कमेंट में बताने के बाद देखते हैं, आई होप देखते हैं अगर मेरे को हुआ तो मैं उस कमेंट पे एक्शन लूँगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, पीस।